एक कहानी आपको बताऊं जो आज बहुत महत्वपूर्ण कहानी मानी जा रही है, जो आज एमए के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, कथा की गैर जरूरी प्रतीक्षा। वो 7 बार लौटी है और तब मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता था, मैं हाथ से लिखती कथा की गैर जरूरी प्रदेश में। बाद में वो पहल में सन 2004 में छपती है और इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसको आधा पढ़ते पढ़ते उंगली टकराल पूर्ण कर देते हैं और इतने सारे लोगों को। जैसे ही वो जाती है और ज्ञानरंजन जी का पत्र आ जाता है और अचानक वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है और 7 बार वो लौटाई गई और बड़ी खराब टिप्पणियों के साथ लौटाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन अगर जब कोई लेखक नई तरह की, खासकर लेखिका, अगर नई तरह की चीज़ें लेकर आता है, वो उस फ्रेम में, उस दायरे में नहीं बनता है, बड़े विजन के साथ आ रहा होता है और कुछ नई नई रचनाशीलता वहाँ दिखाई पड़ रही होती है, तो उसको रोकने की, उसे हटाने की तमाम कोशिशें होती हैं और उसको छपना, उसको सही मंच तक आना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। देवत सोची की कहानी वाली कहानी लेखन अंत में जून 2001 में बहुत आसानी से छप रही थी, बहुत लौटी और आखिरी में संपादक कहते रहे एक बार रिवाइज को कर लीजिए। अरे जिस कहानी को मैंने 1 साल तक लगातार लिखा था और जिसने 50 से अधिक ड्राफ्ट बनाए थे, जिसमें मेरी तरफ से एक शब्द भी जोड़े या घटाए जाने की जरूरत नहीं रह गई थी, उसमें कैसे बदलूं, उसे मैं किसी के कहने से कैसे बदलूं? ये मेरी दृष्टि है, मेरा सोचना भी है। इसे अगर नहीं छापना चाहते थे, जब छपे तो अगला पूरा अंक याद होगा साहित्य के नाम से, अगला पूरा अंक इतने अश्लील पत्र आए थे, इतने खराब पत्र आए थे और उसमें एक पक्ष मनीष टकर कभी आया था कि मैं अधीर दूंगा बहुत हिम्मत के साथ आपको पत्र लिखा। उस तरह पत्र आए थे, कुछ पत्रों ने बहुत, हालांकि मैंने जिनके आगे मेरी पीठ ही थपथपाई, लेकिन उस तरह के बहुत से पत्र आए थे जिन्होंने मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी, धमकियाँ दी गई थी और बहुत तरह से कुछ अच्छे पत्र थे जो सामान्य पाठकों के पत्र से बहुत अच्छा। उसकी दुर्घटना ये थी कि जब ये कहानी मुझे मिलती रही, मैं ऋषिकेश यात्रा करती थी, बस की छोटी सी यात्रा है कहानी, तो ऋषिकेश देहरादून से ऋषिकेश तक की बस यात्रा थी और उसमें जो पूरा झूम जाता था और टीचर्स क्लास महिला टीचर्स ज़्यादा होती थी और वो मुझे ये रोज बताते थे और एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालती जाती थी कि मेरी ये सब बातें कहो क्योंकि आप तो लिखती हैं। और उन्हें नहीं पता था कि हिंदी साहित्य में क्या राजनीति चलती है और किस तरह नई चीज़ नहीं आने दिया जाता है, अकेले 11 सदस्य शिकार रहे हैं, मैं अकेली नहीं। तो वहाँ जब उन लोगों ने मुझे इतनी बताई कि पूरा एक खजाना मेरे पास है, अगर मैं सारी जिंदगी लिखूँ तो शायद पूरा नहीं लिख पाऊंगी, इतनी समस्याएं थी। मैं मुझे ये बात प्रेम जी कह लेने दीजिए कि जब ये अंक छप कर आया कथा देश का तो बस में खूब खरीदा गया और जब मैं पहुंची तो बड़ी खुश होकर पहुंची थी कि मैंने कोई किला फतेह कर लिया है, आखिरकार छप गया और इस पर खूब बातें अब शुरू हो गई हैं। लेकिन वहां लोग गुस्से में बैठे थे और उन्होंने कहा कथा देश का अंक दिखा जाए। मैंने तो ये बताया था, मेरी बात को आई ही नहीं इसमें, मैंने तो ये बताया था। आप सोचिए कि उस दिन मैंने ये सीखा कि लेखक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज की, अपने जो लोग नहीं कह सकते उनकी बातों को पहुंचाए। ये सीखा। चलिए इनके संग्रहों पे आते हैं। ये इनका चौथा कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह भीतर का वक्त, भीतर का वक्त बहुत मजबूत कहानी संग्रह था। उसमें कई कहानियां ऐसी थी स्त्री मन की, जो अभी तक स्त्री मन के जो कई अंधेरे अनदेखे कोने हैं वहां रोशनी तो नहीं, वहां फोकस होता है। काफी सराहनीय है क्योंकि भीतर का वक्त जो कहानी है भी बहुत जटिल, बहुत सूक्ष्म और बहुत बारीक, बहुत मार्मिक कहानी है। दूसरा संग्रह आता है छावनी से बेगा, छावनी में बेगा, अच्छा है। तीसरा निश्चौ, इस बीच में ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2010 में आप देहरादून से दिल्ली आती है। एक मशहूर रंगकर्मी रतन थीएम कहते हैं कि दिल्ली रचनात्मकता की कब्रगाह है। मैं जरा समझना चाहता हूं, आप देहरादून में थी,
छोटा शहर दिल्ली राजधानी, और ऐसा मैं नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि आपके कहानियों में पूरा सी ढलान आई है या कुछ कमजोर परियाबाज की कहानी कहा गया। तो ये दिल्ली की वजह से था या आपकी और जिंदगी की जद्दोजहद की वजह से था, किन वजहों से था, या ये आरोप किन वजहों से लगता रहा कि कुछ कहानियां बाज की कहानियां कुछ और काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, या दिल्ली जो क्रिएटिविटी को रचनात्मकता को सोख लेती है, कमजोर कर देती है, दफन कर देती है, उसका कोई प्रभाव क्या था? मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि कब्र भी कैद और जंजीरें की बहुत सी कहानियां पहले ही लिखी जा चुकी है दिल्ली आने से पहले, और दिल्ली आने के बाद अगर आप ध्यान दें तो मेरा उपन्यास आता है अनिवार्य तक्षक में चलता, और उसके बाद ये किताब आती है स्याही में सुलखाप का पंथ, सुलखाप के पंथ। और आपको याद होगा कि जब ये कहानी आई रोनी अग्रवाल जी का लेख तुरंत आ गया इस पर, इस कहानी पर तमाम बातें हुई। एक तो ऐसा पत्र सीकर से, राजस्थान के सीकर से मेरे पास आया था इस पर, जिसे स्कैन करके मैंने अशोक जी को भेज दिया था। अगर अशोक जी को याद हो वो 4-5 पेज का इतना लंबा पत्र था फुल स्क्रिप्ट का, और सारी चीज़ों को लेकर के अपने यहाँ की घटनाओं से इसको मिला कर लिखा गया और अद्भुत था। मुझे लगा कि अगर पाठक इतना अधिक कनेक्ट कर रहा है अपने को और पा रहा है कि ये सारी चीज़ें इसके गिरफ्त हैं, तो यही मेरी सबसे बड़ी एक लेखक के रूप में संतुष्टि तसल्ली है। और मुझे नहीं लगता कि ये रचनात्मकता कहीं ढलान कर पाई, ऐसा अगर लोग कहते हैं तो पता नहीं कैसे कहते हैं, क्योंकि किसी संग्रह में कहानी है कथी नीली खाजों वाली कबीर जो हंस में आई थी, और उस पर आपने खुद ही अपने संपादकीय में टिप्पणी की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रचनात्मकता पर कोई असर दिल्ली आने की वजह से। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, आप लोग कितना मानते हैं नहीं मानूंगा, शादी जमा जी बैठे हुए हैं, एक उपन्यास में पढ़ चुका, तीसरा जी मैंने पढ़ा लालबाग है, सभी पुत्र हैं, मदन जी हैं, सब लोग हैं। पहली पंक्ति किसी किताब की, किसी कहानी की, या अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं पत्रकार रहे हैं तो रिपोर्ट की पहली पंक्ति का बड़ा मतलब होता है। हमने पढ़ा है कि नामवर जी भी जब लिखते थे तो पहली पंक्ति के लिए भाई कागज लेके फेंकते रहते थे, परेशान होते थे। पहली पंक्ति लिखना बहुत कठिन होता है, अगर पहली पंक्ति सज रही तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाती है। कई लोग हैं जो अच्छे लिखने वाले हैं, पहली पंक्ति मैंने कई कहानियों उपन्यासों उपन्यास जो है उसको पढ़ा है, और पहली पंक्ति में मैं पहुंच गया, कई कहानियों की पहली पंक्ति होती है, जैसे कि इसी कहानी शीर्षक कहानी संग्रह की पहली पंक्ति है, इस सोनीपति बहन जी को भूलना भूला नहीं जा सकता, वो शिक्षा की सबसे जरूरी पाठ की तरह याद रखने के लिए। अब एक पंक्ति में पूरी कहानी का पूरा अंदाजा लगने लग गया। इसी तरह से इनका जो उपन्यास है अनिहारे कलछट में चमका, उस उपन्यास की पहली पंक्ति कि भाई अपने आप से लड़ रही थी, आसान नहीं था, आदमी लहूलुहान हो जाता था और बाहर से दिखता भी नहीं था, दुनिया कोर्ट के निशान का प्रत्यक्ष प्रमाण मांगती है। मुक्ति प्रसंग जी की चर्चा कर रही थी, वो कहानी तो से शुरू होती है, वहां की आमतौर पर तो से नहीं शुरू होता है, वो कहानी तो से शुरू होती है, तो बदलवास से भीड़ भरे चौराहे के पार करती पीछे दौड़ी जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहली पंक्ति का क्या प्रसंगति है, पहली पंक्ति का क्या जादू है, क्या सोच नयास है कि सयास है, क्या है पहली पंक्ति? जी मैं बहुत मेहनत करती हूँ पहली पंक्ति के लिए, बहुत सोचती हूँ, और अंत में वो जब पहली पंक्ति बन जाती है तभी लगता है कि अब कहानी शुरू हो जाएगी, बन जाएगी। दुनिया में बड़े लेखकों ने ये बात कही है कि अगर आप पहली पंक्ति लिख लेते हैं तो आप लगभग आधा काम कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति लिखना मैं उस पर बहुत विचार करती हूँ, और मुझे लगता है कि पहली पंक्ति अगर मुझे मिल जाए तो जो कुछ मैं सोच रही हूँ वो शुरू हो जाएगा, उसको लिख पाऊंगी। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पहली पंक्ति, और वही शायद वो प्रवेश द्वार भी है जहाँ पाठक शुरू करता है जहाँ से, और जो पाठक को रोक लेती है, बांध लेती है, तो ये बहुत मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण। अभी इन्होंने साहित्य में सियासत की बात की और उपेक्षा और
कई दूसरे कारणों से उनकी बात की आलोचक हमारे शंभु जी भी बैठे हुए हैं और युवा कहानी के प्रखर आलोचक क्या आप मानती है कि युवा पीढ़ी में जो बाकी बैंड बाजा बारात के साथ जो धूमधाम गाजे बाजे के साथ जो प्रस्तुत किया गया था एक खास संपादक द्वारा एक खास टीम उनकी थी उस टीम में बहुत से लोग उछड़ गए हैं कुछ लसपस्त हो गए हैं कुछ लोगों ने लेखन से ही 30 साल की उम्र में 32 साल का संन्यास ले लिया है बहुत सी बातें हुई हैं आप भी कहीं ना कहीं उसी फ्रेम में आती हैं उसी युवा पीढ़ी की तो आप उस पूरी युवा पीढ़ी में अपने आप को कहां पाए अभी इन्होंने मेरी तारीफ कर दी गलती से हम तो मुझे तारीफ करता नहीं है तो कुछ आंसू की साक्षी है मुझे नियंत्रण करता है कि अब बात बहुत हो गया तो मैं इसमें इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ और अगले सवाल जो है बहुत हार्ड होने जा रहे हैं आप मानसिक रूप से तैयार क्योंकि सवाल मेरी तरफ से नहीं है सवाल जनता की तरफ से है आज मैं नहीं कहूंगा कि सवाल मदर कर सकती किसी वजह से आज पर रमेश प्रजापति की वजह से होंगे धर्मपत भाई की वजह से होंगे और किसी वजह से लोगों की वजह से डर नहीं रहे सवाल आप ही मान लिए मदन जी को सवाल है कि ऐसा माना जाता है कहानियों को पढ़ते हुए कि आपकी कहानियों में अधिकांश कहानियों में स्त्री की आवाज है तभी हुई आवाज है इसलिए भी बच्चा भी ताना बना लेकिन माफ कीजिएगा और भी आपके साथ लिखने वाले लोग हैं इसी दोस्त में स्त्रियों टाइप का लिखा कुछ दोस्त खराब है तो खराबी है इसलिए तो कभी कुछ नहीं है
चुनौती होनी चाहिए, क्या मैं विधायक से नहीं हूँ, वो आपको कुछ अवसर की ओर से है क्या स्टीरियो टाइप के किसी विमर्श के पेड़ को नहीं तोड़ते। और अगर आपके यहाँ कोई पुरुष आता भी है अच्छा भला, या तो बाप होता है या फिर भाई, ये मामला क्या है उसे साफ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने या अन्य हमारे पाठकों ने कहानियां पढ़ी हैं, तो वो वेदकल के सिद्धि जी के चरित्र को नहीं भूल सकते, जो केवल जो ऐसे प्रेमी हैं जो अपना प्रेम इतनी झिझक के साथ प्रकट करते हैं, और जो मृत्यु के समय भी एक फिरोजी रंग का कार्डिगन अपने कांख में दबाए हुए हम विस्फोट करवा जाते हैं, और उस उनके उस प्रेम को कि उन्होंने कांख में वो कार्डिगन दबाया हुआ था ये कोई जान नहीं पाता, तो वो कितना सपोर्ट करते हैं उस पूरे परिवार को, जहाँ मुसलमान का प्रवेश नहीं था उस परिवार के लोग ये सारी चीजें रिवर्स कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं जिंदगी की जरूरत और मृत ये बड़ा है न कि भर पर, और वो चल पड़ते हैं। और जिंदगी की कितनी मदद करते हैं, वो इतना एक खूबसूरत पात्र है। आप भीतर के वक्त को देखिए, अन्याय वाले लड़के को नहीं भूल सकते, इतना सुंदर तरीके से आता है। मेघर के मेजर साहब को मेरे कुमार को भी भूल सकते हैं, जिनका दाम्पत्य प्रेम भी अंदर इतना सुंदर प्रेम है, और आप हमारे संसद में चमका के दामोदर जी को नहीं भूल सकते हैं, इतने प्यारे हैं और इतना उनका मधुर प्रेम है, इतना इतने भूमि भूमि आँच लगाते हैं, जालिम नहीं है। पुरुष इस तरह क्यों जालिम होगा कि उसमें खाके नहीं सीधा सीधा कभी अगर स्याह और सफेद में कभी लगे पुरुष है तो जालिम है, नहीं उसकी अपनी परिस्थितियां हैं। और स्याह सफेद नहीं होता, परिस्थितियां होती है, मानसिक अनुकूलन होते हैं, जो उससे थोड़ा मुक्त होता है तो बेहतर करता है, और इस तरह के पात्र आते हैं। अगला सवाल थोड़ा संवेदनशील है, उसको संवेदनशीलता से ही समझा हमने स्त्री विवर्श का ही है, स्त्री विवर्श में देह है। ये जो युवा प्रदेश है शंभू जी जानते हैं, देह को लेकर के कई लोग लिख रहे हैं, कुछ बहुत बोल्ड लिख रहे हैं तथा कथित बोल्ड, कुछ बहुत सूक्ष्म लिख रहे हैं, कुछ लाउड लिख रहे हैं। मेरा सवाल ये है, और फिर मैं कहूंगा कि जनता की ओर से आप सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल था, क्या आप जब स्त्री विमर्श में देह की बात होती है आप उसके खिलाफ खड़ा होती है, और तो देह पे तथाकथित बहुत बोल नहीं आए हैं उनको हरकाने लगती है, लेकिन आपकी कई कहानियों में देह बहुत प्रमुखता के साथ आया है, कई कहानियों में आया है, उपन्यास में भी आया है, और एक कहानी है जिसकी अभी चर्चा करी थी तथा के गैर जागृत प्रदेश, मुझे नहीं लगता कि कभी कहानियों में उससे आया है, पुरुषों से इसकी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि युवा में कहानी में स्त्री जो है इसकी बात नहीं रही है, वो प्रसंग आ रहा है। आप उधर सबको हरका रही हैं कि देह नहीं देह नहीं, आप ही कहानियों में ये सब आ रहा है, तो ये अंतर विरोध क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, देह से आपत्ति नहीं है, देह के मनोरंजक तरीके से प्रस्तुतिकरण पर आपत्ति है। देह तो आएगी ही क्योंकि वह स्त्री शोषण की प्राइम साइट है, उसमें तमाम तरह की हिंसाएं जुड़ी हुई हैं, वह तो आएगी ही, और वो उसमें भी उपन्यास में भी हमारे आप भूल रहे हैं कि उस एक दृश्य को लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसमें नपुंसक है और रति का वो दृश्य है, उसको लिखने के लिए कि वो सामने कहीं जरा सा भी फिसलता है तो उसका जो पूरा उद्देश्य है वो डिफीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देह से आपत्ति नहीं है, देह के इस तरह के प्रस्तुतिकरण से आपत्ति है कि उसे पितृ सत्ता के हिसाब से, बाजार के हिसाब से प्रस्तुत किया जाए, जिंदगी के हिसाब से प्रस्तुत किया जाए, और वो मैं करती रही हूँ उसको, कभी मैं ना नहीं कह सकती, ना ही इस बात को, ना ही बेबाकी से किए गए वर्णनों को ना कह सकती हूँ। मैंने खुद लिखा है उस पर, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सारा स्त्री विमर्श यह नहीं है, क्योंकि स्त्री विमर्श को तो समझा ही नहीं गया। जूनियर कस्टीबा तक ने ये कहा था, जो स्त्री विमर्शदार है, कि बहुत संभव है कि स्त्री विमर्श को बाजार के द्वारा उद्ग्रस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ वही चीज है कि बाजार के हिसाब से चीजें चल रही हैं, ना कि जिंदगी के हिसाब से, साहित्य जिंदगी के हिसाब से चलेगा, और आप देखिए कि अगर जिंदगी के हिसाब से चलता है तो वो
सारी चीजें आएंगी जो जरूरी नहीं है, उससे कोई आपत्ति कोई भी लेखक नहीं कर सकता है। और स्त्री और एकता के सवाल को अवसर लागे ने बहुत पहले 70-71 में उठा दिया था, रेहू उपन्यास से बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो ये सवाल किस तरह से आ रहे हैं, वो उस पर आपत्ति है कि कोई कहे कि वो सिर्फ प्रेम के कारण छपता है, वो सिर्फ सुंदर होने के कारण क्या वो सज के जाता है, इसलिए छपता, किस सब पे आपत्ति है। उस पर आपत्ति नहीं है कि वो लिखा नहीं जाए, जीवन को कोई भी अनुभव लिखे जाने के लिए कोई भी अनुभव ऐसा है ही नहीं जिसे नहीं लिखा। देख में मजावात नहीं आना चाहिए, रोटिक नहीं होना चाहिए, मंटो के यहाँ भी दे है इससे पहले की अशोक ने कहे कि नहीं किताब पे बात कीजिए, किताब पे बात कीजिए, और हम किताब की कहानी पे आए। एक सवाल और, क्योंकि बगल में बैठे हुए समझ रहे हैं कि किताब है, किताब निकल रहा है, इससे बात ही नहीं हो रही है, बोल बोल घुमा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब किसी कृति में बात होती है तो उस लेखक के व्यक्तित्व की बात होती है, क्योंकि किसी बड़े ब्रिज पे आप कहाँ खड़े हैं, यानी भारत के नक्शे में आप हैं, इसमें बात होती है। 1915 में 14 में आता है उपन्यास, उसी साल एक बहुत बड़ी परिघटना घटना घटती है और लखनऊ से अखिलेश जी का उपन्यास निर्वासन आता है। निशांत आते हैं, फिर वही शोर शराबा बहुत ताम थाम गाजा बाजा, उस उपन्यास महान बनाने की तमाम कोशिश, भारी भरकम भी है उसमें, आपका 125 पेज का, मेरे कम 125 पेज का तनियारे तक चल रहा, कद भी छोटा है, वहां मामला बहुत, सत्ता केंद्र बहुत सी चीजों का, तो उस उपन्यास के शोर में आपकी उपन्यास छोटी सी खबर सी कहां तक कारगर हो गई, या क्या आपको नहीं लगा कि उपन्यास कहां ठहर पा रहा है, क्या खामोशी विस्फोटक भी होती है, खामोशी ही से निकले हैं वो बात चाहिए गालिब को याद करिए। तो दिक्कत ये नहीं है कि उपन्यास करके छोटा हो, 100 पेज का हो या 125 पेज का हो या मोटा सा 500 पेज का हो, 4 किलो का हो, ये उपन्यास के मूल्यांकन का आधार कभी नहीं हो सकता, उसका वजन, बल्कि औपन्यासिक विजन महत्वपूर्ण होता है। और अगर वो है किसी कृति में तो लंबाई चौड़ाई से कोई उससे कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया में कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास जो है मोटे हैं, औरचाय के उपन्यास, कुछ बहुत छोटे हैं काहू के उपन्यास, बड़े पतले हैं का वर्डमैन एंड द सी, तो बहुत मेरे ख्याल 100 पेज भी पूरा करता है। काहू का द स्ट्रेंजर जो है वो 97 पेज तक मुश्किल से पहुंचता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बन सकता है कि आप जो है उपन्यास की मोटाई चौड़ाई से देखें। और अखिलेश जी के उपन्यास पे शो चाहे जितना भी हुआ हो, चाहे जितने विशेषांक निकले हो, सेमिनार कराए गए हो, लेकिन अंततः तो फ्लॉप ही हुआ ना। तो जब फ्लॉप हुआ सोच लीजिए बहुत खतरे हैं। उपन्यास वही मैं कह रहा था कि बोले आज कल्पना जी कह रही है, बोलती तो बहुत है, आज कह रही है यही तो शोर है, पुरस्कार मिल रहा है, यही तो शोर है। भाई मैं एक लेखक के तौर पर पढ़ करके अपना निर्णय दे रही हूँ, मैं आप सबकी तरफ का निर्णय नहीं, मेरी मेरी ये दृष्टि है और मैं देख रही हूँ जो मुझसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो देखिए जो मेरे पास प्रतिक्रियाएं आई और जो हिंदी के पाठकों ने मुझे कहा और जो मैंने पढ़ करके समझा उसमें तो मुझे यही दिखाई पड़ा। और ये सच है, अभी ढोरा पीटने से आप ढोल बाजा नगाड़ा बजा दें तो इससे कोई बना सीख थोड़ी हो जाएगा या बड़ा थोड़ी हो जाएगा, उससे नहीं है। बल्कि हाँ मेरा उपन्यास छोटा जरूर है, लेकिन मैंने पहले कहा कि खामोशी बहुत डिस्पोटिक भी होती है, तो वो उस तरह का उपन्यास है और वो जा रहा है। मैं देखती हूँ कि काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, तमाम उस पर बातें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुका है कहीं भी। तमाम भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं, पंजाबी में धारावाहिक में आ रहा है, बहुत तरह से बहुत बहुत जगह पर गया है, जापानीज में ट्रांसलेशन उसका हो रहा है, तो बहुत तरह से आ रहा है, पाठकों की अच्छी इस कहानी संग्रह पे आते हैं और शीर्षक कहानी पे आते हैं, स्याही में सुरखाब के पंख। मैं ये जानना चाहता हूँ स्याही जो अपने पंख गढ़ा या पत्ती लिया है, ये
लोगों किस चीज को लिया ज्ञान है कि कहीं या पूरा अपना समय ही स्याह हो गया है, तो उस चीज की स्याह पन पिया जो दिन अपने घर आए उस पर मैं देखिए दो चीजें हैं इसी लिखते वक्त, एक तो एडवर्ड सरीफ का ज्ञान कांड सेवा मेरे दिमाग में था और कि पढ़ लो सब कुछ। शिक्षा व्यवस्था हमेशा से मेरा एक बहुत पसंदीदा विषय रही है, पहले मिड डे मील भी लिखा था, वो बहुत चर्चित हुई थी, बहुत बांटा कर गया था, उसकी फोटोकॉपी करा करके और बहुत समय उसके बाद संन्यास में भी शिक्षा व्यवस्था पर एक चैप्टर दिया मैंने। तो शिक्षा क्या कर रही है, क्या है ज्ञान कांड, तो ये मेरे दिमाग में था कि सोनपति बहन जी को बोला नहीं जा सकता, वो ज्ञान कांड का प्रतीक है, पढ़ने के बावजूद कहीं उनके दिमाग में कोई तब्दीली नहीं आई, पढ़ लिख कर शिक्षिका भी बन गई। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तो ये है, दूसरा क्या है कि क्या हमारा समय है और वो उन सारी चीजों को लेकर आता है। आपने कहानी में देखा होगा कि नगर के चौक पर नाटक का रिहर्सल, ये चैप्टर जब आता है तो नगर के चौक पर दरअसल कोतवाल की, शहर कोतवाल की पिटाई हो रही होती है और खुलेआम हो रही होती है, इसलिए हो रही होती है कि एक लड़की को छेड़ते हुए लड़कों को उसने पकड़ने की कोशिश की थी, अपने इनिशिएटिव पे उसने पकड़ करके डाल दिया था, सबके मोटरसाइकिल उठवा लिए थे, सब किया था और इसके दंड स्वरूप जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो खुलेआम पिटवा रहे हैं और बकायदे प्रदर्शन हो रहा है नाटक के, नगर के चौक पर नाटक का ये रिहर्सल है। और इस तरह पूरे जो हमारे समय की विसंगतियां बहुत और तमाम सारी चीजें आती हैं, उसमें सिर्फ इतना भी नहीं आता, बहुत तरह की चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रेम का रूपक भी आता है, एक वैशाली जो चढ़ा बन गई है उसको लेकर के, जो कहीं उपस्थित नहीं है पूरी कहानी में, लेकिन वो एक आदर्श है कि क्या हुआ वैशाली का किसी को नहीं पता, लेकिन सब चाहते हैं, लड़कियां चाहती है कि वैशाली बन जाए और कहती है कि वो चड्ढा जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत बड़ा दृश्य बनता है वो पान की दुकान का जो मनोरंजन है, वो सारी मानसिकता हमारी जो माइंड सेट है, वो सारी चीजें आती हैं। तो स्याह जो हमारा समय है ऊपर से बदल गया है, ऊपर से मोबाइल है सबके पास, ऊपर से सारी चीजें चल रही हैं, पान वाले के पास भी, पान की दुकान वाले के पास भी मोबाइल है, लेकिन भीतर कितनी सड़ांध पैदा हुई है वो सारी चीजें यहाँ आती है। तो एक रूपक ये भी बनाने की कोशिश थी कि स्याह समय को पकड़ा जाए, दिखाया इसमें एक शेर है कहानी, इसी कहानी में नहीं आता शेर, वो शेर नहीं है शायद, प्रसंग आता है कि फूल से खत लिखा जाता है। तो मदन जी के जमाने में शेर चलता था बिहार में हाजीपुर में, जो चिट्ठी में लिखा जाता था कि लिखता हूं खत फूल से स्याही न समझना, मरता हूं बीमारी जाकर कोशिश करता था बीमारी देखिए, तो अभी भी चीजें चली आ रही है, अभी है मदन जी से लेकर के ब्रह्मत तक। तो ये कोई फूल वाला कहीं आपने भी कहीं देखा था, यहाँ आपको किसने लिखा होगा, होगा है क्या होगा, बस समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ने खत लिखा था कहाँ से आ रहा है, फूल से लिखा हुआ एक खत इसमें है और लिखा जाता है। छोटे कस्बे की कहानी है, छोटे कस्बे को मैंने बहुत जिया है, वहां रही हूँ, छोटी सी जगह बस्ती हमारा जनपद है, कहने को जनपद है लेकिन पूरी तरह कस्बाई मानसिकता, और खून से खत लिखना एक बड़ी बात है अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए, लेकिन मामला ये नहीं है कि खून से खत लिख दिया, खून से लिखे गए खत की कोई कद्र है कि नहीं है, ये है बात। तो खून से खत लिखा था और उसको प्रेमी ने उस तरह नहीं लिया और उसने पिताजी गुस्साए तो उसने छिपा दिया और दुकान पान की दुकान वाले ने उसको बातचीत करवा दिया, लो देखो पूरा शहर कि खून से लिखा हुआ एक खत कैसा होता है। अब लोग यही अरे हमें आए नहीं बोले कि अरे वो आई थी ने लिखा दी खा के फेंक दी खत, अरे हम मिस कर गए उसको देखना। तो ये जो एक जज्बाई मानसिकता है और जो सूरज कुमार जिनके लिए खत लिखा गया था वो निकल कर कहते हैं कि बड़े बड़े डायलॉग वही सबकी नाटक ना करो, यहाँ पर हमारे समाज के आगे खड़े होकर के लड़की को कहती है कि आज तुमने मुझे नहीं वैशाली को अकेला, अपनी बहन को अकेला कर दिया, क्योंकि ये एक मूल्य था कि प्रेम जिंदा है और जैसे ही प्रेम खत्म हुआ हद को फटा प्रेम जी, वो तो दिखा सको लेकिन जो टूटा वो नहीं दिखा, बहुत सारी चीजें टूट गई उस तस्वीर में कि नहीं है कुछ और जो
वैशाली गई थी उसके निर्णय को तुम सही कहते थे और आज उसको अकेला कर दिया, उस मुंह ने को अकेला कर छोड़ दिया। तो ये जो बहुत सारी चीजें आई है फूल से लिखे हुए खत की, काश की कदर वो प्रेम की कदर की बात हो रही है, मोहब्बत में बारीकी की बात हो रही है। तो इसी संग्रह में कहानी है नीली कथई धारी वाली कमीज, जो हंस में एक दो महीने पहले छपी थी, वो मैंने पढ़ी तो फिर एक लाइन में कहानी खुलती है। कहानी जा रही है अपने ढंग से, अचानक नायिका बोलती है कि वो कमीज वही पहने हुए हो, बोलते हाँ उसको नहीं बोलता है इतना दिन तक मिला है और संभाल के रखा हुआ है, तो ये वही कमीज है, नहीं वो तो नहीं है फिर अचानक उदास हो जाती है। अरे बात केवल अमरीश की नहीं थी, भाव की थी, इसकी बात कर रही मैं कह रहा हूं भाव कहां से ऊपर होता है, किस तरह से चीजों को ठीक है। कि मुझे लगता है कहानियों में जो मैंने उस पर लिखा भी है अपने संपादकीय में कि बारीकी और स्वच्छता की अपनी निकल बनना का परिंदा याद कीजिए, उसमें कहानी कहीं नहीं खुलती है। अधिका की एक बात पे कहानी खुलती है, ऊपर आकाश में पक्षी जा रहा है, अतिथि कहां जा रहे हैं, तो सवाल पक्षी के सामने अनिश्चय का नहीं है, उस समय के लोगों के सामने कहानी वहां खुल जाती है। कई ग्यारह जन की कई कहानियां इसी तरह से जटिल होती है, बारीक होती है, इनकी भी कई कहानियों मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है, और बारीक संकेतों को पकड़ना पड़ता है, थोड़ा पकड़ पाए मेरा। और उसी प्रकार एक और भी चीजें मुझे प्रकार की कई कहानियां बहुत बारीक है, लेकिन कई कहानियां बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, बहुत जोर मचाती है, ये तक वो तक ऐसा वैसा हो जाती है। तो ये सुनता ये पारी है अपने किस तरह से कहानी बनाते हैं, उस कहानी की नीली कथई धारी वाली कमीज किस तरह से। जब मैं नीली कथई धारी वाली कमीज लिख रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ये बात चल रही थी कि हम संवेदना के पक्ष में कैसे खड़े हों, और संवेदना के पक्ष में खड़े होने के लिए क्या हम वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं दोहरा सकते हैं या नहीं। तो जब ये सवाल आता है कि कमीज का क्या होता जाएगी, तुम्हें पता नहीं कितना कमाता हूँ, तो वो कहती है क्या मैं कमीज की बात कर रही थी। तो मामला ये है कि संवेदना के पक्ष में उसके बाद वो कुछ नहीं कहती है और उठ करके जाती है, फिर शांति जाती है और इसी में एक और कहानी है। इन दिनों मैं रिटायर है, वो जी रहे हैं, खास बात जो मुझे कहानी में लगी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कांग्रेस खा रहे हैं,